नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान। पदमपुर श्री अकाल तख्त के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने हमेशा सभी धर्मों का सत्कार व सम्मान कर अपना संपूर्ण जीवन मानवता को समर्पित किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने सब मानव को एक सम्मान समझते हुए एक बांटे से अमृत की दात पिलाकर सभी धर्मों का सत्कार कर सांझी वालता का उपदेश देते हुए कहा कि गुरबाणी के अनुसार चलना, नाम जपना, कर्म करना, बांटकर खाना, अमरदारी बन, नशा सहित बन, हमेशा मानवता का कर्तव्य सकारात्मक दृष्टिकोण से हर मानव को निभाते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ज्ञानी गुरबचन सिंह ने शहीद भाई सुखा सिंह मेहताब सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के चेयरमैन महेंद्र सिंह जट्टा की दाणित अड़ती जीजी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित प्रकाश दिवस कीर्तन दरबार में उक्त विचार व्यक्त किए। हॉस्पिटल की ओर से निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें 300 से अधिक रोगियों की जांच का कार्य नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल असारी, डॉक्टर उदयपाल बिश्नोई सहित अन्य डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। एक मैनेजर गुरप्रीत सिंह, करणवीर सिंह, इकबाल सिंह, सतनाम सिंह आदि मौजूद रहे। सारे परमानु सांझा उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब जी ने बख्शिश किया है। यही गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने अमृत की दात बख्शिश करते हुए सानू एक बाटे विच अमृत छका के सांझी वालता का उपदेश बख्शिश किया है। सारे धर्मां नू सत्कार दिता है और जो सिख धर्म नू बिलोंग करते ने उन्होंने वास्ते गुरु ने हदायत की कि अमृतधारी होना, बाणी ते बाणी ते धारनी होना, धर्म की किरत करनी, नाम जपना ते वंड छकना गुरु का सिद्धांत है। चट्ठा परिवार सरदार महेंद्र सिंह जी चट्ठा समूह परिवार बच्चे बच्चियां देश विदेश दे विच धर्म की किरत करदे होए गुरु पातशाह जी के पवित्र प्रकाश पुरब मना के गुरु दियाँ गुरु की संगतां दियाँ आशीसां प्राप्त करते हैं। गुरु महाराज सच्चे पातशाह करदी कला करन, इस तरह आप भी जुगन ते संगतां नूं भी जोड़ते रहन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू।